हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल m.shamshad media एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। दरभंगा लाइव न्यूज़ में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद वसीम अख्तर और हाजिर है आपके सामने खास पेशकश को लेकर प्रश्न पहर। आज बात करेंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी को लेकर, जिसमें कुछ सवाल जवाब भी लेंगे। हमारे खास मेहमान जिनका अभिनंदन स्वागत है, वेलकम है हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर मुरली मनोहर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा और इतनी बड़े मुकाम पे आप लोगों ने बिठा रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके दरभंगा लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप फेसबुक तक, दर्शकों तक, छात्रों तक पहुँचाने की जो ये कोशिश है, प्रश्न पहर नाम से आपने इस प्रोग्राम को संचालित किया है, ये काबिले तारीफ है। इस सभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार है और आप आगे इस तरीके से बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग की खास की ये कोशिश इस बार शुरू हुई है रही है कि जो बच्चों में एक डर सा रहता है, जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, वक्त आता है, एक तो जिस टाइम एडमिशन लेते हैं बच्चे, एक अच्छा संस्थान खोजते हैं कि उसे अच्छा पढ़ाई कहाँ मिले, वो आगे अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए किस किस कोचिंग में जाए, किस कॉलेजेस में जाए, जहाँ से अपनी तालीम अच्छे से अच्छे उसे मिल सके। लेकिन जब नज़दीक आता है एग्ज़ाम को लेकर, तो वो पढ़ाई दरकिनार होता है, टेंशन एक बड़ा माहौल होता है कि जो पढ़ते हैं ना उसमें भी लगता है, अरे मैंने जो पढ़ा है उसमें कौन सा सब्जेक्टिव आएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, इसको लेकर एक डर सा माहौल बना होता है। तो खासकर एक आप लोग को एक लंबा सा एक्सपीरियंस रहा है, पीछे बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट से, तो जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त बच्चों को आपका कुछ खास टिप्स क्या रहेगा, बच्चे जैसे डर से थोड़ा सा क्या भूलते हैं, अमूमन जैसा होता है पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा रट्टा मार लिया, समझ लिया, फिर भी क्या है ना एग्जाम के टाइम में जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो उस टाइम में लिखते लिखते भूल गए, तो उसमें सर आप लोग कुछ ऐसा टिप्स दें जो बच्चों को कारगर साबित हो उसके एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले तो सफल और असफल छात्रों के बीच में जो सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है वो ये है, वो है रेगुलरिटी का। बच्चे इस वजह से असफल होते हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं होते हैं। शुरुआत से मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि सारे शिक्षक अच्छे हैं, आप इस चक्कर में कभी कंफ्यूज मत होए कि मैं किसके पास जाऊँ। हमारा ट्यूनअप जिससे हो जाता है हम उसे अच्छे शिक्षक मान लेते हैं, जिससे ट्यूनअप नहीं हो पाता हम सोचते हैं वो शिक्षक हमारे लिए अच्छे नहीं। सारे शिक्षक अच्छे हैं, ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की होती है, वो है कि आप रेगुलर रहें। अब जैसे कि अब बात करें तो अभी तो समय ये नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं नहीं रेगुलर आप इतना करें ये करें। अभी आपके पास जो बाकी का समय है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा 6 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है और पहला एग्ज़ाम चूँकि बायो का है, मैं बायो का शिक्षक होने के नाते बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ से अभी यही सुझाव है, आप किसी भी नए किताब को ना पकड़ें, कोई भी नए ऐसे टॉपिक को नहीं पढ़ें जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। आप उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें जिसको आपने पहले पढ़ रखा है, ये सबसे प्रायोरिटी होगी आपके लिए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, 6 फरवरी को आपने बताया पहला एग्ज़ाम है, बच्चे एग्ज़ाम के लिए जाते हैं प्रिपेयर होके, लेकिन उसके लिए सबसे पहला क्या है, कॉपी जब उनके पास सबसे पहले मिलती है शिक्षक से, तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कॉपी पे क्या स्टार्ट करना चाहिए उनको, जिससे उनका कॉपी मान लीजिए आगे फेल्योर ना हो, किसी चीज़ में फंस नहीं जाए, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना चाहिए कॉपी में। परीक्षा के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप कभी भी परीक्षा में घबराएं नहीं। बच्चों को मैंने पहले भी टिप्स दिया है, अभी भी मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत पहले नहीं पहुँचे। होता क्या है, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के प्रेशर में 2 घंटा 3 घंटा पहले पहुँच जाते हैं और वहाँ देख के उनको मिलता है क्या, कुछ बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे परेशान हैं और चक्कर में क्या होते हैं वो अपने आप को, या फिर कोई दोस्त आया बोला अच्छा ये बताओ तुमने ये टॉपिक पढ़ा क्या, और उसने नहीं पढ़ा होता, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं बच्चों को सुझाव देता हूँ कि आप बहुत पहले एग्जाम सेंटर पे ना पहुँचे, आप किसी दोस्त से भी इंटरेक्ट ना करें और अपने साथ ऐसे गार्जियन को ले जाए जो आपके लिए फ्रेंडली हैं। आप कई बार बच्चे पापा के साथ चले जाते हैं, दबाव महसूस करते हैं, आप ऐसे गार्जियन के साथ नहीं जाए जिनके साथ आप झिझक महसूस करते हैं, आप ऐसे गार्जियन के साथ कभी भी एग्जाम सेंटर पे नहीं जाए। आप समय से पहले ना पहुँचे, एग्जाम से पहले बहुत हेवी डाइट ना ले, इस बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार होता है हम बहुत ज्यादा खाना खा के पहुंच जाते हैं और हमें नींद आने लगती है,
खास करके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ये तो सर बिल्कुल निगेटिव सा हो जाता है ना, आप जो भी पढ़ लिख के गए हैं उस टाइम आप नींद की झप्पी मार रहे हैं तो जो आपको आता है वो भी भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बच्चों को सुझाव है कि एकदम हल्का खाना ले, फ्रूट्स ले, जूस पिए, बहुत लाइट खाना ले, ऐसा भी नहीं कि भूखे पेट पहुंच जाए। और सर एक चीज देखा गया है, हम लोग भी उस पड़ाव से गुजरे हैं तो उस टाइम में हम लोग भी एक चीज फील कर रहे थे, जब कॉपी मिलता है ना घबराहट सी होती है, उसमें क्या रोल कोड है, नेम है, ठीक है आपका जो सब्जेक्ट है वो सब होता है, उसको भी लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो उसमें सर क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले उस पैराग्राफ को फिलअप कर लेना चाहिए। आप सबसे पहले कॉपी मिलते ही आप उन चीजों को भर ले जो आपको समझ में आता है, जो जहां पे भी कंफ्यूजन है आप चुपचाप अपने जगह से खड़े हो जाएं, जो आपके परीक्षा नियंत्रक है या आपके वर्ग में जो गार्डिंग में लगे हुए हैं वो आपके पास आएंगे, आपको आवाज नहीं देनी है, एग्जाम में किसी को बुलाना नहीं है, आप अपने जगह पे खड़े हो जाएं, सर ये चीज ये कॉलम में क्या लिखा जाएगा वो मुझे बताएं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप एकदम धैर्य पूर्वक पहले अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड ये सारी चीजें लिखें, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश करें। ऐसा होता है कई बार आंसर की मिलते ही क्वेश्चन पेपर में तो बच्चे फटाफट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। कई बार होता है बच्चे इस चक्कर में कंफ्यूज भी हो जाते कि शुरुआत कहाँ से करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्रमवार तरीके से हमें चलना। इस बार जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार आते थे, मान लीजिए सपोज बराबर आते थे 30 मार्क्स से, जैसे आपने बताया 35 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें क्या इस बार कुछ चेंजेस हुआ है कि मान लीजिए ए को कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा, बी को कुछ अलग क्वेश्चन मिलेगा? क्वेश्चन सारे सेम रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, हाँ हो सकता है नंबर का हेर फेर कर दिया जाए कि किसी में पहले नंबर पे हो तो किसी में सातवें नंबर पे हो, जो पहले में मान लेते हैं ए है तो वो सातवें में ए मिलेगा, ये हो सकता है। क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन नंबर रहने वाले हैं, कहीं भी नहीं है, हाँ नंबर उसका एक के जगह पे सात, किसी में नौ हो सकता है, ऐसा चेंज किया जा सकता है, वो भी बिहार बोर्ड ने इस तरीके का कोई भी कंफर्मेशन अभी तक दिया नहीं है। तो सर ये जो एग्जाम होगा बायो का 100 मार्क्स का एग्जाम है, इसमें सर क्रमवार आप बताएं कितने कितने मार्क्स का टोटल एग्जाम बच्चों को देना पड़ेगा? सबसे पहले तो बच्चों को जो एग्जाम देना है वो 70 मार्क्स का देना है, जिसमें से कम्प्लीटली सर बायो में, हाँ कम्प्लीट बायो विद प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा, 70 नंबर का उनका एग्जाम होगा, टोटल सर 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स है, 30 मार्क्स कॉलेज से उन्हें मिलेंगे जो प्रैक्टिकल होने वाला, जैसा कि आपको पता भी होगा प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। इस 70 में से 35 है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर मिलने वाला है, जैसे मेडिकल में होता है निगेटिव मार्किंग, वैसा नहीं होगा, तो बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्जेक्टिव को बाद में मिलेगा उनको एग्जाम देने के लिए, ऑब्जेक्टिव में वो पहले क्रमवार तरीके से, ऐसा ना हो कि आपको, ऐसा कई बार होता है क्वेश्चन सेटर्स के माइंड सेट के साथ आपको मैच करना होगा कि शुरुआत के वो 4-5 क्वेश्चन बहुत टफ डाल देता है, तो बच्चे क्या होता है 4-5 देखा नहीं बना, सीधे 35 नंबर से पीछे से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करें। हो सकता है 5 तक आपको नहीं आ रहा, 6ठा आसान होगा, 7वां आसान होगा, ये पहला माइंडसेट होता है क्वेश्चन सेटर का। दूसरा क्वेश्चन सेटर का माइंडसेट ये होता है कि पहले ही आपको बहुत आसान फील करवाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आप करते गए सब आसान लगता गया, तो आप समझते अरे नहीं नहीं पेपर तो बहुत आसान है और उसमें भी गलतियां हो जाती है, तो आपको एकदम दिमाग पे नियंत्रण रखना है, काबू रखना है और क्वेश्चन को एक क्रमवार तरीके से करते आना है, ऐसा नहीं कि 5 किया फिर 13वां कर रहे हैं फिर 15वां, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन को करना, बिल्कुल करना कुछ ना कुछ, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम को लेकर सर जैसे अभी क्या है ना कि बच्चे अभी जो उन्होंने पढ़ा है पिछले 9 महीने में 10 महीने में उसको रिवाइज करें, या फिर से अभी ऐसा कुछ हो कि नहीं चलते हैं एक बार सर से फिर पूछते हैं 5 साल का क्वेश्चन क्या है उसमें से फिर कुछ नया निकालते हैं, वो करना ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है, या फिर आपने जो पढ़ा है उस पर अपना पूरा फोकस देना जरूरी है? क्वेश्चन पेपर के लेवल को समझने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से मॉडल टेस्ट पेपर आता है, आप उसको भी सॉल्व करते हैं, पिछले 2-3 साल का सॉल्व करेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। और मैंने शुरू में ही बोला किसी भी नए टॉपिक्स के तरफ नहीं जाना है, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपके पास नोट्स है, एनसीईआरटी है, बस उतने पे अभी आपको केंद्रित रहना है, आपका जो एनसीईआरटी है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़े हुए हैं अगर तो उनको एक बार फिर से रिवाइज करें, और साथ ही साथ आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपने दिमाग पे पूर्ण नियंत्रण रखें, और साथ ही साथ जो नोट्स है आपके पास, जो शिक्षक के साथ पास आप पढ़ रहे थे, उसको आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़े जैसा आपने पढ़ रखा है, क्योंकि उससे चूंकि आपका वो नोट्स है आपने बना रखा है तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दे, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं
या जुड़े वाले हैं या जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को प्रश्न पहाड़, इसमें आप डॉक्टर मुरली मनोहर बायोलॉजी के हमारी टीचर हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आप विवाद जो भी टॉपिक हो आपका 12th बोर्ड के एग्जाम को लेकर, CBSE बोर्ड के एग्जाम को लेकर जो भी आपका टॉपिक हो उस पर आप कॉल करें इस वक्त और आप अपना क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं। नंबर है 8409180860। आप कॉल करें इस वक्त और आपका सीधी आपकी जो सीधी बात है वो डॉक्टर मुरली मनोहर बायोलॉजी की टीचर से होगी और आपके सवाल के वो जवाब भी इस वक्त देंगे। तो सर एक चीज और सामने आया है मैं आपसे जानना चाहूंगा, होता है क्या ना कि जैसे मान लीजिए सर्किल, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं इस उम्र में उनका एक सर्किल जरूर होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 8 होता है, तो एग्जाम के वक्त में क्या होता है ना, अरे यार तूने वो 13वां चैप्टर पढ़ा है, अरे यार तूने 17वां चैप्टर पढ़ा है, ऐसे करके बहुत डिस्कशन होता है, उसमें भी कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, यार मैंने तो ये वाला पढ़ा था लेकिन वो कह रहा है क्या इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, उसको लेकर सर ये कंफ्यूजन कैसे दूर होता है? आप बिल्कुल भी दिग्भ्रमित नहीं हो, मेरे तरफ से ये सुझाव है, आप ये सोच के बैठें कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलने वाले हैं। किसी कोई से भी सजेशन ना ले, क्योंकि आप जिससे सजेशन ले रहे हैं वो भी आप ही के क्लास का है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो आप उसके सजेशन को मान के नहीं, उसने बोला ये क्वेश्चन आएगा, किस बिहार पे बोलेगा, क्या बिहार बोर्ड का क्वेश्चन उसके पास अवेलेबल है? आप बिल्कुल भी दिग्भ्रमित नहीं हो, आप अपने आप पे नियंत्रण रखें, अपने आप को फोकस करें, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि नहीं ये टॉपिक पढ़ लो, ये सर हमने हमको हम यहाँ पढ़ते थे इन्होंने बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट। सर वाकई में जब क्वेश्चन बैंक आ जाता है कि फिर 10 साल के क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 15 साल के क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप, तो क्या उससे वाकई स्टूडेंट्स को फायदा होता है? बिल्कुल होता है, फायदा तो होना ही होना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक भी हमारे NCERT पे ही बेस्ड होता है, तो फायदा होगा ही। आप जितना क्वेश्चन करते हैं उससे उतने ही कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते हैं, जितना मोर द क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर द आपके पास उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट भी डेवलप होने वाले हैं। सो बिल्कुल आप करिए, क्वेश्चन बैंक आपने किया हुआ है 10 साल 5 साल का, ये आपको बिल्कुल फायदा देने वाला है। और सर कुछ बताइए बच्चों के लिए विशेष, क्योंकि अब फरवरी में एग्जाम है और जनवरी का ही आज 20-21 तारीख हो चुका है, बस कुछ दिन शेष बचे हैं, और जब मेन क्या है ना 35 नंबर एक बहुत अच्छा उन लोगों के लिए बेस मजबूत है कि 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, उससे बच्चों क्या होता है ना पास आउट में बहुत फायदा मिलता है, तो उसको लेकर वो कैसे तैयारी करें? सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास समय बहुत शेष नहीं है, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो मैं अपने जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बोलना चाहूँगा, उसका एक बार ज़रूर से रिवीजन करें, इस टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। जैसा कि एक है आपका डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे चैप्टर में आप आएंगे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ये 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तीसरे चैप्टर में आएंगे तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको ढंग से पढ़ लें। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, इसको भी एक बार अच्छे से आप पढ़ लें। जब हम आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन पे तो वहाँ पे इन वीवो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसके जो जिफ्ट और गिफ्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी आप ढंग से पढ़ लें। जेनेटिक्स के तरफ हम जब आएंगे तो मेंडल साहब का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिजीज के तरफ आएंगे तो आपके लिए हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल किटोनेरिया है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे टॉपिक्स आपके जेनेटिक्स में। मॉलिकुलर बेसिस में फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन DNA पे आधारित हो सकता है या फिर डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA के रेप्लिकेशन जो हर्शियन चीज का जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी आप एक बार ध्यान से देखें, मिसलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देख लें। इवोल्यूशन में आएंगे तो होमोलॉजी एनालॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, उसके बाद अगले टॉपिक्स में चलेंगे, फिर से आते हैं बहुत सारे डिजीज हैं बैक्टीरियल वायरल, उसके बाद हेलमिंट्स डिजीज है, उसके बाद फंगल डिजीज है, इस सारे डिजीज और उसके जो पैथोजेंस है जो कॉजिंग एजेंट है उसको ढंग से पढ़ें। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, वहाँ पे मलेरिया है, मलेरिया का लाइफ साइकिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लांट ब्रीडिंग के तरफ आएंगे तो प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित वहाँ पे 9.1 और 9.2 टेबल बना हुआ है, उसको जरूर से याद कर लें क्योंकि उसमें उसके वेराइटीज और उसके पैथोजेंस के बारे में दिया हुआ है। आएंगे बायोटेक्नोलॉजी के तरफ तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका फिर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन है PCR टेक्नोलॉजी, उसको बिल्कुल से ढंग से पढ़ें।
बायोटेक्नोलॉजी से पहले एक माइक्रोब चैप्टर जिसके बारे में मैंने चर्चा नहीं किया है, माइक्रोब से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वन मार्क्स के क्वेश्चन, खास करके ऑर्गेनिक एसिड कहाँ कहाँ से मिल रहा है, किस किस माइक्रोब से, वो आप बिल्कुल से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट के जो आपका इवोल्यूशन चैप्टर है, वहाँ पे 5 नंबर के कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जैसा मैंने देखा अभी कि बार बार आपके मॉडल टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पॉल्यूटेंट्स को ढंग से पढ़ें, जितने भी एक्ट हैं, लॉज हैं, उसको ढंग से पढ़ लें, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस पढ़ लें, इकोसिस्टम्स के जो पिरामिड्स हैं उसको एक बार जरूर जरूर से देख लें। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बोला है आप शॉर्ट नोटिस पे, चूंकि समय बहुत कम है, आप एक एक क्रमवार तरीके से नहीं जा सकते हैं, बहुत कम समय है। जिन बच्चों ने अभी तक भी अगर सीरियसली नहीं पढ़ा है, जिनको लगता है, जिन्हें डर है, तो वो इन टॉपिक्स को अगर क्रमवार तरीके से एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे मार्क्स से जरूर पास होंगे। तो सर आखिरी का ये लम्हा है, ये महीना, उसके बाद तो एग्जाम सिलसिलेवार शुरू हो जाएगा, और बच्चों में खासकर एक उत्साह भी होता है और एक डर सा, दोनों चीज बना होता है। तो सर आप आखिरी में एक टिप दे दीजिए बच्चों को कि ऑब्जेक्टिव को कैसे देखें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सबसे पहले उसको सॉल्व करना चाहेंगे, तो उसको वो किस तरह से देखें ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए, आप जो ऑब्जेक्टिव, कई बार होता है क्या, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो दो ऑप्शन बचा है, आप उस दो ऑप्शन में से अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगा के एक के साथ जाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बोलूँगा कि पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं उसको एक बार ढंग से आप जरूर पढ़ लीजिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, फिर भी ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस सब को एक बार जरूर जरूर से देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस ध्यान इतना रखना है कि आप, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो पहले उसमें से जो बिल्कुल भी उससे रिलेटेड नहीं है उसको एलिमिनेट करें, बाद में जो दो बचेगा उसमें से आप एक के साथ जाएंगे तो आपके सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं, ये आपकी अच्छी बात होगी। और इस एक बात सर, अमूमन होता क्या है ना कि जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, ठीक है, और जो भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उन्होंने जो टास्क दिया है, जो सडन टास्क दिया है पूरा करना है, घर पे तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब खड़े होते हैं बोलने के लिए तो अमूमन क्या होता है, वो चीज़ भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति वहाँ भी होती है जब एग्जाम देने आप जाते हैं ना, तो ये मैंने क्वेश्चन देखा, अरे हाँ ये तो भोपाल कांड के जो क्वेश्चन आया था वो आ रहा है मुझे, जब लिखने बैठे हैं एक लाइन लिखे वो फिर भूल जाते हैं, इसको सर इसको लेकर क्या सावधानी बरतना चाहिए। ऐसे स्थिति के लिए आपको एकदम समय सीमा निर्धारित करनी होगी, 3 घंटे का आप समय लगाएं, स्टॉप वॉच लगा दें, आजकल हर मोबाइल में होता है, उस 3 घंटे में आपको बिल्कुल नहीं उठना है, आप समझ लें कि ये आपका फाइनल एग्जाम है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सॉल्व तो सर ये भी तो कर सकते हैं ना इजीली कि आप उसको रिटर्न करके करें, क्योंकि जब तक आप रिटर्न करके लिखेंगे वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। बिल्कुल, उसको सॉल्व आपको एकदम प्लेन पेपर लेना है और आपको एज अ एग्जाम उस पेपर को वहां पे टच करना है। बिल्कुल 3 घंटे का समय निर्धारित करके आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे आपके लिखने का भी प्रैक्टिस होगा और साथ ही साथ आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता चला जाएगा। सर आखिरी सवाल, एग्जाम 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप जाते जाते बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आप बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करें आने वाले एग्जाम के लिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, आपने सुना हुआ है, अभी भी मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया, आने वाले जो 12-15 दिन आपके पास हैं, अगर उसमें भी आप समय सीमा निर्धारित कर दें कि हर सब्जेक्ट, चूंकि आपको एक ही सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करना है, आपके लिए हर सब्जेक्ट का वैलेंसी जो है आपके लिए सब इक्वल है, तो आप हर किसी को एक निर्धारित समय सीमा दें। कई बार बोलते हैं सर हम तो टाइम टेबल लगा के पढ़ते हैं, ये 12 से 2, ये 2 से 4, ये मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, जिस तरीके से हम ऊपर वाले को याद करते हैं तो उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, हम कभी भी याद कर सकते। एग्जाम के दिन सर कितने बजे उठे और सबसे पहला क्या करें, बच्चों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, पहली बार एग्जाम देने जाएंगे, तो उस दिन सर जिस दिन एग्जाम स्टार्ट होता है उस दिन सबसे पहले उठे और क्या करें, किस वक्त उठना चाहिए और कितनी नींद पूरी करनी चाहिए? आप कम से कम 7 घंटे की नींद लें, आप रात में भी बहुत ज्यादा ना खाएं, हल्का खाना खाएं, सुबह उठें आप फ्रेश होके और ऐसे लोगों से ही उस दिन इंटरेक्ट करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं।
आप फैमिली मेंबर से सिर्फ इंटरेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों से करिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप में नई ऊर्जा डालते हैं। ऐसे बिल्कुल लोगों से नहीं मिले जो आपको हमेशा निगेटिव दिखाते हैं। आप समय पे एकदम पहुंच जाए सेंटर पे। पहले भी मैंने बोला बहुत जल्दी नहीं पहुंचना है, आधे घंटे 40 मिनट पहले पहुंच जाए। ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करें। आप अपने आप को किस जोन में, कई बार होता है बच्चे क्या होता है वो जैसा कपड़ा चाहते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चों की मेंटालिटी होती है, वो जैसा ड्रेस करना चाहते हैं अपना ड्रेसअप, वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। आप ड्रेसअप के बारे में भी सोच के रख सकते हैं कि नहीं मैं ये पहनूंगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बरकरार रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। दरभंगा लाइव न्यूज में आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए दरभंगा लाइव न्यूज की पूरी टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, शुक्रिया पेश करती है। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा प्रोग्राम जारी रहेगा हमारे दरभंगा लाइव न्यूज के फेसबुक पेज पे, और कल हम खास पेशकश इसी को लेकर आगे आएंगे और चर्चा करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे। तो कल आप हमारे साथ इसी वक्त जुड़े, दिन के 12 बजे दरभंगा लाइव न्यूज की टीम फिर से एक बार लाइव होगी प्रश्न पहर पे। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब दीजिए हम इजाज़त मोहम्मद वसीम अख्तर को, खुदा हाफिज़।